हेलो फ्रेंड्स, मैं पब्लिक स्पीकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ एक खास टॉपिक के साथ, हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है रिस्क असेसमेंट फॉर मैनुअल हैंडलिंग। इससे पहले हम लोग ने देखा था रिस्क असेसमेंट फॉर वर्किंग एट हाइट विद द हेल्प ऑफ ए टाइप लैडर। सो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। आज हम लोग बात करते हैं मैनुअल हैंडलिंग करते समय क्या रिस्क असेसमेंट किया जाता है। रिस्क असेसमेंट के बारे में आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का जो टास्क है वो मैनुअल हैंडलिंग है। तो हम लोग इसका हज़ार्ड देख लेंगे। तो हज़ार्ड जैसे कि आपको मालूम है सस्टेंड एक्वर्ड पोस्चर, तो ये हो सकता है अगर एक मैनुअल हैंडलिंग कोई करता है तो। उसके बाद रिपीटेटिव सस्टेंड एक्शन, तो ये दोनों हज़ार्ड्स मैंने चूज़ किया है। आपके वर्क एक्टिविटी के हिसाब से आप हज़ार्ड चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने हज़ार्ड देख लिया, तो हम लोग अभी बात करते हैं कि उसके रिस्क क्या हो सकता है। तो रिस्क हमारा हम लोग ने एक ही चूज़ किया है जो है मस्कुलेटर डिसऑर्डर। अपने एक्टिविटी के हिसाब से आप रिस्क चूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि हमें रिस्क मिल गया, तो अब हम देखेंगे कि इसका रिस्क लेवल क्या होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि रिस्क रेटिंग निकालने के लिए हमें रिस्क मैट्रिक्स को रिफ़र करना पड़ता है। जिसे नहीं मालूम वो जाके हमारे वीडियोस को देख सकता है। तो जैसे कि हम लोग इसका रिस्क लेवल निकालेंगे, तो जो उसका रिस्क लेवल जो बताया है मैंने, पॉसिबिलिटी है जो लाइकलीहुड है वो 3 है। जैसे कि हम लोग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी से हम लोग रेफ़र करते हैं। ये जिसे मोर डिटेल्स इसको चाहिए, जिसके ऊपर मैं आपको एक नया वीडियो भी बना के दे दूंगा कि कैसे हम लोग को रिस्क मैट्रिक्स तैयार करना है। तो हम लोग इसका सेवरिटी देख लेते हैं। सेवरिटी इसका मैंने लिया है 4। आप जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका रिस्क लेवल होगा 12। इसका स्टार्टिंग में रिस्क इनिशियल रेटिंग जो आया है वो 12 है। तो हम लोग इसका कंट्रोल्स मेजर्स देख लेते हैं कि क्या दिया है जिससे प्रिवेंट करना है हमें अपने रिस्क को और हज़ार्ड को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनफ नंबर ऑफ पर्सनल प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द लोड टाइप एंड मैनुअल हैंडलिंग टास्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो मैनुअल हैंडलिंग का टास्क है, ये डिपेंड होता है अलग अलग वर्क एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो वैसे ही सबसे पहला पॉइंट आएगा इनफ नंबर ऑफ पर्सन, जैसे इसमें मैंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर हैंडलिंग एड्स प्रोवाइडेड। जैसे कि हम लोग अगर छोटी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा मैनुअल हैंडलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रॉली, पैलेट्स, ट्रक्स, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है, नेवर लिफ्ट द लोड्स अबव योर शोल्डर्स एंड द सेफ मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ठीक है। हम लोग जो लोड ले रहे हैं वो अपने शोल्डर पे नहीं उठाना है, और हमेशा हमें सेफ मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करना है। प्रोसीजर जो है टेक्निक होता है कैसे हमें मैनुअल हैंडलिंग को लिफ्टिंग करना है और कैसे उसको होल्ड करना है, ठीक है। ये प्रोसीजर को हम लोग को हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीप योर फिंगर्स फूट्स अवे फ्रॉम द पिंच पॉइंट ऑफ वाइल प्लेसिंग, ठीक है। तो हम लोग जब भी इसको प्लेसिंग करने के टाइम पे या उठाने करने के टाइम पे हम लोग का जो फिंगर्स है या फुट है उसको थोड़ा दूर पे रखना है। यह टेक्निक्स जो है मैनुअल हैंडलिंग का, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इंश्योर द एरिया इज क्लियर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। मतलब जहाँ पे आप मैनुअल हैंडलिंग करने जा रहे हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर और साफ़ सुथरा जगह पर होना चाहिए, जहाँ से आपको स्लिप ट्रिप फॉल या फिर आपका कोलैप्स ना हो सके किसी के साथ में भी, ठीक है। एम मिनिमम डिस्टेंस टाइम टू कैरी, तो जो आप जहाँ जाने वाले, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ जाने वाले हो उसका डिस्टेंस हो कम से कम रखने की कोशिश करना, या फिर से टाइम पे कैरी कर सकते हो जब टाइम पे रश ना हो, कोई मूवमेंट ना हो ऐसी जगह पे, ऐसे टाइम पे। लिफ्ट एंड जॉइंट द फ्लैंक्स, ये भी आपको जैसा हम लोगों ने टेक्निक की बात किया वहाँ पे आपको ये प्रोसीजर के बारे में मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट सिक्योर द लोड विथ चेन एंड ट्रैप्स, मतलब जब कोई भी आप लोडिंग उठा रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उठाया तो उसका जो मटेरियल है या ऑब्जेक्ट्स है वो गिर रहा हो, तो उसे सिक्योर करना है, उसको अच्छे से बंद करना है कि वाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने के टाइम पे हमें कोई गिर ना जाए या फिर वो सामान गिर ना जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक रोटेशन फॉर रिपीटेटिव वर्क, तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक्टिविटी जो करते हो आप उसको रुक रुक के करना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली करते रहना है, जिससे आपका
बॉडी का जो पार्ट है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है, जैसे कि हम लोग ने रिक्स में देखा है, हजार्ड में देखा है। ठीक है, टेक रेगुलर ब्रेक, हमेशा ब्रेक लेना चाहिए, जैसा कि हर 15 मिनट पे 20 मिनट पे आप आईएलओ को रिफ़र भी कर सकते हो, जिसको आईएलओ के बारे में नहीं मालूम है उसे भी हम लोग वीडियोज़ बना देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉप वर्क इफ़ देर इज़ ए पेन और डिसकम्फर्ट, आपको स्टॉप करना है और इमिडिएटली और रिपोर्ट करना है अपने सुपरवाइज़र को अगर आपको डिसकंफर्ट या फिर पेन नज़र आता है तो। ठीक है, लास्ट में मैंने इसमें यहाँ पे पीपीज़ के बारे में नहीं बताया है, लास्ट में आप बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, अप्रोप्रिएट पीपीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द ग्रुप टीम, सो इट विल कवर लाइक हैंड ग्लव, फुटवेयर और सेफ्टी जैकेट, ये सब आप इसमें कवर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करते टाइम पे आपको जो पीपीज़ है वो एंड में लिखना है एज़ पर हायरार्की। अगर आपको हायरार्की के बारे में भी नहीं पता है तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। अब हम लोग रेसिडुअल रिस्क के बारे में बात कर लेंगे, जो कि आफ्टर कंट्रोल मेजर्स के बाद आता है, जैसे कि कितना रिस्क बचा है एट द एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल मेजर्स। तो जैसे कि हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे वो चेंज हो जाएगी, वो एक हो जाएगी और सेवरिटी 4 के 4 होगी। जैसे कि आपको मालूम है सेवरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी चेंज हो सकता है, चांसेस कम हो सकते हैं गिरने के और या फिर मार लगने के, लेकिन जो सेवरिटी होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मार लगना तो है, चाहे वो ऊपर से लगे चाहे वो नीचे से लगे, तो सेवरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके ऊपर भी किसी को अगर आइडिया कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनल जो रिस्क रेटिंग होगा वो होगा 4। तो जैसे कि हमने देखा कि एक रिस्क असेसमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो एक्शन टेकन है वो आप देख सकते हो, ऑन साइट सुपरवाइज़र या फिर HSC सुपरवाइज़र होगा। तो जैसे कि हमारा रिस्क असेसमेंट एक प्रिपेयर हो चुका है और भी डिमांड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट हम लोग नया कुछ सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड।